भारत ने T20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल के लिए अपना दावा मजबूत कर लिया है। पाकिस्तान को पहले मैच में 4 विकेट से पीटने के बाद अब टीम इंडिया ने नीदरलैंड को 56 रनों से रौंद दिया। T20 वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर सामने आया है। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में 1 रन से हरा दिया। इसी हार के साथ पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में आगे का सफर मुश्किल हो गया है। वहीं आज खेले गए T20 वर्ल्ड कप के दूसरे मुकाबले में भारत ने नीदरलैंड्स को 56 रनों से करारी शिकस्त दी। टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड्स को 180 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर महज 123 रन ही बना सकी। भारत की ओर से रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव ने अर्धशतकीय पारियां खेली। भारतीय गेंदबाजों ने भी आज शानदार गेंदबाजी की। जीत के बाद सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के बाहर भारतीय फैंस अलग ही उत्साह में नजर आए।